जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण होना आवश्यक है? आंसर सी 33%। केंद्रीय सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? आंसर सी 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर बी देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आंसर सी देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है? आंसर बी नागपुर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? आंसर सी के एम मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर बी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? आंसर ए 2 वर्ष। वन रोपण प्रक्रिया है? आंसर बी और पेड़ लगाने की। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? आंसर सी 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? आंसर डी 24.16%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? आंसर बी 21.34%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? आंसर ए वन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर ए मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम तीन राज्यों का सही अवरोही क्रम है? आंसर बी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? आंसर सी पंजाब। निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? आंसर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? आंसर डी संपूर्ण भूमि का 33%। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? आंसर सी मिजोरम। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? आंसर बी 1952। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आंसर ए 1981 में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर ए पूर्वी डेक्कन में।
भारत में किस वर्ष में पर्यावरण सर्वेक्षण अधिनियम पारित किया गया था? आंसर डी 1986। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? आंसर डी टोंग सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो है? आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? आंसर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। भारत के निम्न राज्य में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? आंसर ए मध्य प्रदेश। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? आंसर बी सुंदरवन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर डी उष्णाद्र पतझर वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आंसर सी उष्णाद्र पतझर वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर डी मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? आंसर ए मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आंसर बी पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर सी नीलगिरी पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? आंसर डी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी स्थित है? आंसर सी उत्तराखंड। शांत घाटी अवस्थित है? आंसर ए केरल। पश्चिमी घाटी में पाया जाने वाला वनस्पति का प्रकार है? आंसर ए सदाहरित। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? आंसर डी प्रायद्वीपीय पठार पर। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आंसर ए नीलगिरी पहाड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आंसर बी कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के क्षेत्र में किस वृक्ष के अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? आंसर सी सुंदरी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? आंसर सी कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? आंसर सी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आंसर ए पतझर वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? आंसर सी मध्य प्रदेश। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से है? आंसर ए मैंग्रोव वन।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर डी सुंदरवन। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और सामान्य ज्ञान जीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।